अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। फर्जीवाड़े की नित नई कहानियां आपको चौंका देगी। इस वक्त की बड़ी खबर सनसनीखेज है। आपको बता दें कि वेटरनरी कॉलेज के डॉक्टर से IAS बन मांगे 5 लाख रुपए, आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि फरीदाबाद में है क्लिनिक। केंद्रीय मंत्री का PRO बन पुलिस को धमकाया, छात्रा को परेशान करने की शिकायत CM तक करने की दी धमकी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर राम सागर से IAS बनकर 5 लाख रुपए की चौथ मांगी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्या कुछ पुलिस कह रही है देखिए। थाना सदर बाजार जनपद मथुरा की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए एक व्यक्ति जो कि फर्जी तरीके से अपने आप को IAS बताकर वेटनरी कॉलेज के एक चिकित्सा अधिकारी को परेशान कर रहा था तथा उससे फिरौती मांगने का प्रयास कर रहा था, उसका आइडेंटिफिकेशन किया गया। आइडेंटिफिकेशन करने के उपरांत उपरोक्त व्यक्ति के फर्जी पाए जाने पर उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के क्रम में अब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। यह व्यक्ति मूल रूप से लखनऊ के मलिहाबाद का रहने वाला है तथा फरीदाबाद में रह करके यह MBBS की प्रैक्टिस करता है। बता दें कि सदर प्रभारी अजय किशोर ने बताया कि वेटनरी विश्वविद्यालय के कोठारी पशु अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राम सागर ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जिसमें उन्होंने बताया था कि IAS बताकर 5 लाख रुपए मांग रहा है, जिसकी जांच की गई। सर्विलांस के सहयोग से प्रिंसिपल निवासी महिलाबाद लखनऊ शिव एनक्लेव फरीदाबाद को गोकुल बैराज के पास से दबोच लिया। आरोपित ने खुद को केंद्रीय कानून एवं विधि राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल का PRO बताया। पुलिस को धमकाने की कोशिश भी की और ये तमाम आरोप मन पर लगे हैं। आरोपित से 3 मोबाइल फोन और 1 टैबलेट बरामद हुआ है। कोर्ट आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया। बहरहाल आपको बता दें IAS जैसी महत्वपूर्ण पद के आड़ में ठगी का यह मामला चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश से केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें। आपसे अनुरोध है यह।